कविता कृष्णमूर्ति का 2 मिनट का इंटरव्यू मैंने देखा है हाल ही में, वो संगीत के बच्चों से बात कर रही थी। इसके आगे कुछ नहीं, बाकी हम खुद करेंगे। फिर एक शेर देते हैं, गालो गाया कि इन बच्चों को आप मिला के जोड़ के जिस प्लेटफॉर्म पे जितनी खूबसूरती से इनका हुनर उभार रहे हैं सिर्फ पूरे पेरेंट्स की तरफ से। आई नो मेरे बच्चे ने कहा है कि आप बहुत बड़े फैन हैं रफ़ी साहब के, और मुझे ये हिदायत भी दी गई थी कि आप मोहम्मद रफ़ी बच्चों को एनकरेज करने आई हूँ। एज अ मदर ऑल्सो आई वुड लव कि मेरे भी बच्चे म्यूजिक के साथ दिलचस्पी रखे, और रखा जा रहा है, ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो जिस तरीके से आर स्टूडियो और कल्चरल एकेडमी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हमारे बच्चों में जो हुनर है उसको उभारने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैं कहती आई हूँ कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा हुनर है, एक प्लेटफॉर्म, एक मौके की तलाश है। हमारे बच्चे सही रास्ते पर जाएँ, चाहे म्यूज़िक को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, ड्रामा, एक्टिंग, जो भी है उस रास्ते पे जाएं, तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे एज अ मदर पेरेंट्स को और कोई हो नहीं सकती है। म्यूज़िक के साथ सभी जुड़े होते हैं, म्यूज़िक से कोई दूर नहीं भागता। तो म्यूज़िक एक डेवलपमेंट, बच्चे की परवरिश का एक बहुत ही अहम रोल रखता है। आप बिना अल्फाज, बिना रीजन, रिलीजन को देख के एक एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ कुछ भी म्यूजिक और सिंगिंग के थ्रू कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है हर एक को एनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को भी, और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी इनके इस प्रोग्राम को। डेफिनेटली ये नॉर्मल सी बात है, जम्मू कश्मीर के बाहर अगर आप देखें ये नॉर्मल सी बात है। आपको और मुझे ये अलग सा लग रहा है कि 19 के बाद ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो कुछ अलग हो रहा है, अद्भुत बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है कि कल्चरल इवेंट्स कर पा रहे हैं और हालात बेहतर है, कोई थ्रेट नहीं है किसकी किसी के भी सप्रेशन या जोर या दबाव के पीछे प्रोग्राम्स ना जो पहले होता था नहीं कराए जाए, जो भी आइडियोलॉजी होती थी। तो जो बच्चे टैलेंटेड है तो वो अपना टैलेंट क्यों ना दिखाए, और बहुत सारे बच्चे काबिल हैं जो इसमें करियर बना सकते हैं। मेरी दुआ भी है और बेस्ट विशेस भी है इन सारे बच्चों। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि सारे पेरेंट्स बेसिकली यही चाहते हैं कि जिस फील्ड में हमारे बच्चे खुश हैं उसमें उनको इनक्रेज किया जाए, उनको सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो विदाउट सप्रेशन वो हर एक पल, चाहे म्यूजिक को लेके हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, वो उभारे और हो सके तो इसका करियर भी बना पाए।